I feel like कि ये heaven कहाँ पे है and मुझे आज पता लगा ये heaven यहाँ पे ही है क्योंकि अब आपको आगे से बात करते हैं जाके क्योंकि जो जम्मू है वहाँ पे जो भी temperature है वो इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे आप मान नहीं सकते 40s के ऊपर आराम से temperature जाता है और अभी हम यहाँ पे हैं कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि जम्मू से मैं सिर्फ 100 किलोमीटर दूर आया हूँ और ऐसा कुछ मौसम है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई मैं आपको क्या बताऊँ एंड आई एम इन डीप लव विद दिस प्लेस और अभी हम जा रहे हैं सनासर की तरफ उधर और ज़्यादा ठंड होगी एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा एंड अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कंटिन्यू करें और आगे देखें एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल वेलकम बैक टू द चैनल एंड जो ये आज का सफ़र था मैं नथाटॉप आपको पिछली वीडियो में लेके आया था पर मैं बाइक नहीं ऊपर लेके आया था और आज मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ और ये मेरा जब मैं छोटे होते यहाँ आया था तो मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं एक दिन यहाँ अपनी बाइक लेके आऊँगा और आज ये सक्सेसफुल हो पाया है आई होप कि कैमरा का एंगल परफेक्ट हो और आपको पता लग रहा हो कि ये कितना इनक्लाइन है अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्लेस है आई थिंक यार यहाँ पे बंदा मेडिटेटिव नहीं भी होना अगर वो थोड़ी देर आंखें बंद करेगा ना वो भी मेडिटेटिव हो जाए आई एम इन डीप लव विद दिस And this is a little bit of dangerous, but I love to do these things. And I live to do these things. This is my only way. और यही है जो मुझे आता है सही बोलूँ तो यही चीज़ें हैं मुझे जैसे ही मुझे लगे कि कोई चीज़ ख़तरनाक है जो नहीं होनी चाहिए मुझे वो करने में ज़्यादा खुशी होती है Oh, this is quite steep place and I hope in this vlog you will love the adventure and prepare for the off-road you will definitely come after this vlog and milte hain aapko aage और अभी हम जब आए थे तब बिल्कुल क्राउड नहीं था अब बहुत सारा क्राउड है एंड बहुत अच्छा किया कि हम लोग पहले ही निकल गए और अब फाइनली एक और ऑफ रोडिंग का पार्ट स्टार्ट होगा और पूरी तरह लग रहा है कि बारिश का मूड है पर एज आई एम जाना तो जरूर है चाहे बारिश ही हो रही हो एंड आई होप कि व्यू अच्छा आ रहा हो